अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन के तत्वाधान में इकाई सरगुजा संभाग के द्वारा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन के एक दिवसीय प्रशिक्षण और कार्यशाला के आयोजन करी गई। कार्यक्रम के शुरुआत भारत के संविधान के सम्मुख अतिथि मन के द्वारा दीप प्रज्वलित करी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अधिवक्ता सी एस चौहान के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना ला पठन पाठन कर दोहराई गई और सत्य और निष्ठा के शपथ उपस्थित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन लिहिन। ऋषि वैष्णव जी भली ए आर साहब प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ मानवाधिकार जनजागरण फाउंडेशन। आज छत्तीसगढ़ मानवाधिकार का संभाग स्तरीय कार्यशाला और आईडी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार जनजागरण फाउंडेशन यह शासन के सोसाइटी एक्ट 1973 के अनुसार पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों के संबंध में कार्य करना है और विशेष करके नारी उत्पीड़न, बाल श्रम, औद्योगिक समस्या के साथ विधिक सहायता, इस जो मानवाधिकार से और वास्तव में जुड़ाव रखता है, इन समस्याओं के लिए अपने आवाज़ उठाना है। यदि कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा है उस जगह अपने को आवाज़ उठाना है। मैं सी एस चौहान छत्तीसगढ़ मानवाधिकार जनजागरण फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ। सरगुजा संभाग में लगभग 600-700 की जनसंख्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं संस्था में और सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। आज एक दिवसीय जो है संभाग स्तरीय का प्रशिक्षण कार्यशाला रखा गया था, जिसमें सभी पदाधिकारी को जो हमारा संस्था जो प्रोसीडिंग है, जो नियमावली है, उस संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया गया है कि उनको किस तरीके से किस आधार से कार्यरत करना चाहिए। जी अपना परिचय बताइए। मैं शंकर राम यादव जिलाध्यक्ष मानव छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जनजागरण फाउंडेशन अंबिकापुर। आज जो भी हमारे सदस्यगण हैं उनको जो ज्वाइनिंग किए थे उनको प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानपूर्वक अधिकार क्षेत्र दिया गया। साथ में सबको जागरूक किया गया कि जो मानव अधिकार का हनन हो रहा है, जिसमें काफ़ी परिवार बिछड़ते जा रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं, अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो कई तरह से अनदेखी का शिकार हो रहे हैं, इसके लिए जागरूक बनाने के लिए और अपने अधिकारों को समझें, इनके लिए एक विशेष कार्यशाला रखी गई। हमारा कार्य क्षेत्र यही है सर कि जो पिछड़ गए हैं, जो अपने साधनों से या अपने अधिकारों से भटक गए हैं, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनको सही सिस्टम, सही दिशा निर्देश देना और उनकी अधिकारों को उनको मिले इसके लिए जागरूक करना। करीबन 35 लोग नए पद ग्रहण किए और सम्मानित जो पदाधिकारी 70 से 80 लोग यहाँ उपस्थित थे।